नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रानी अग्रवाल के चुनाव प्रचार में अपने एक दिवसीय दौरे पर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार देशभक्त पार्टी है, हम ईमानदारी से काम करते हैं। आज मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, सिर्फ एक विनती करता हूँ कि आप सभी को आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक मौका देना है, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। अब देखना होगा कि केजरीवाल का ये दौरा आम आदमी पार्टी प्रत्याशी को कितनी सफलता दिलाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक दो ही पार्टियां थी, बीजेपी कांग्रेस, और दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। जब जिसको मौका मिलता है वही पैसे कमाता है, हम पैसे नहीं खाते, हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। मैं ठोक बजा के कहता हूँ, पूरे देश में जहां भी जाता हूँ, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम पैसे नहीं खाते। आज दिल्ली से चल के सिंगरौली के भी लोगों के बीच में आया हूँ एक ही बात कहने के लिए कि एक मौका देके देखो। अभी तक आपने बीजेपी वालों को मौके दिए,